हेलो फ्रेंड्स तो ये क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एक्ससी वर्मा सर चैप्टर जो है सिक्स फ्रिक्शन क्वेश्चन ट्वेंटी एट है ये डाउट पूछा था स्टूडेंट ने लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन है फाइंड द ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम इन द सिचुएशन ऑफ फिगर द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स इज म्यू वन दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन है म्यू वन एंड दैट बिटवीन बिग्गर ब्लॉक एंड ग्राउंड इज म्यू टू ग्राउंड और बिगर ब्लॉक के बीच में म्यूट हो अब देखो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये सिस्टम कैसे मूव करेगा तो ये जो स्मॉल का मास है ये नीचे की तरफ आएगा और इसके नीचे आने से जो कैपिटल एम वाला मास है ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो मान लो कैपिटल वाला जो मास है इसका आगे की तरफ एसिलेशन ए है अब इसका इसके आगे जाने से हम देखें तो ये जो स्ट्रिंग है हमारे पास कौन सी स्ट्रिंग है ये वाली तो ये वाली जो स्ट्रिंग है ये छोटी होगी ये वाली स्ट्रिंग में कोई चेंज नहीं आएगा ये जो है वर्टिकल वाली ये वाली भी क्या होगी छोटी होगी किस रेट से छोटी होगी ए की रेट से छोटी होगी इसके ए आगे जैसे मतलब जो छोटे होने की रेट है एक तरीके से डबल डेरिवेटिव वो ए हो गया इसका भी ए हो गया तो जिस रेट से ये दोनों हॉरिजॉन्टल वाली स्ट्रिंग छोटी होंगी उसी रेट से जो स्मॉल एम वाला मास है इसको नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि रस्सी की लंबाई तो फिक्स ही रहेगी कि जो स्मॉल एम वाला मास है इसका एसिलरेशन नीचे की तरफ टू ए आएगा तो बेसिकली ये स्ट्रिंग कंस्टेंट है कि स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो चेंज नहीं होगी तो अगर कैपिटल एम वाला ब्लॉक ए एसिलरेशन से आगे जाएगा तो जो स्मॉल एम वाला ब्लॉक है ये टू ए एसिलरेशन से नीचे की तरफ जाएगा और एक कैपिटल एम के साथ भी जाएगा ए एसिलरेशन से तो स्मॉल एम के ऐसे दो एसिलरेशन होंगे हॉरिजॉन्टल में ए वर्टिकल में टू ए अब हॉरिजॉन्टल में स्मॉल एम को कौन एसिलरेट कराएगा तो वो नॉर्मल एसिलेट कराएगा तो अगर हम स्मॉल का FBD देखें तो इसका हॉरिजॉन्टल में एसिलेशन है ए अब हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करें तो हॉरिजॉन्टल में क्या लगेगा इस पर नॉर्मल लगेगा इसको मैं एन वन बोल देता हूं तो दिस एन वन इज इक्वल टू एम ए वर्टिकल में देखें तो इस पर एम जी लग जाएगा और क्योंकि रफ सरफेस है और रिलेटिव मोशन हो रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग जाएगा ऊपर की तरफ एफ वन जो कि म्यू एन वन के बराबर होगा और वर्टिकल में इसका एक्सिलेशन कितना है टू ए तो वर्टिकल डायरेक्शन में हम इक्वेशन लिखेंगे तो आ जाएगा एम जी माइनस एफ वन अच्छा एक टेंशन भी लगेगी रस्सी भी जुड़ी हुई है तो टेंशन भी लगेगी टेंशन को टी मान लेते हैं तो टेंशन ऊपर लग गई फ्रिक्शन ऊपर लग गया एम जी माइनस टी माइनस एफ वन एफ वन किसके बराबर आ जाएगा म्यू वन एन वन इज इक्वल टू मास इन टू एसिलुरेशन ऑफ दिस ब्लॉक इन डाउनवर्ड डायरेक्शन तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका एसुलेशन कितना है टू ए तो ये हमारे पास आ गया यहां से हम टेंशन को लिख दें टेंशन कितनी आ जाएगी तो टेंशन आ जाएगी एम जी माइनस म्यू वन एन वन तो एन वन एम ए के बराबर है तो म्यू वन एम ए एंड m a. So this is the tension from the equations on block of mass small m. अब हम capital m वाले block को देखें तो जो capital m वाला block है उस पर कौन कौन से forces लगेंगे तो horizontal में अगर उसपे देखें अच्छा देखो कोई भी पुली अगर block से attached होती है तो उसको हम block का part ही मानेंगे और पुल्ली लगने वाले forces block पे ही consider किए जाते हैं ये एक important point है ध्यान रखना है तो इस पुली पे क्या लग रहा है टी लग रहा है हॉरिजॉन्टल में और एक यहां से टी लग रहा है तो हॉरिजॉन्टल में ये फोर्स हो गए और अगर ग्राउंड का नॉर्मल एन टू है तो जो ग्राउंड का फ्रिक्शन लगेगा एफ टू हो जाएगा म्यू एन टू के बराबर अब जो एन टू है ध्यान रखना है वो जब निकालेंगे थोड़ा सतर्क रहना है अब इसमें हॉरिजॉन्टल में अगर हमने फोर्स की बात की तो टेंशन टेंशन तो लग गई और एक ये जो स्मॉल एम वाला ब्लॉक कैपिटल एम के कॉन्टेक्ट में है तो उसके कारण एक नॉर्मल लगेगा पीछे की तरफ एन वन और वर्टिकल में अगर हम बात करें तो वर्टिकल में क्या फोर्स लगेगा इस पुलिस पे एक टेंशन नीचे लग रही है वो भी लगेगा जो दोनों ब्लॉक कॉन्टेक्ट में थे तो बड़े ब्लॉक ने छोटे ब्लॉक पे फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगाया तो उसका रिएक्शन पेयर जो छोटे ब्लॉक पे है वो नीचे की तरफ लगेगा एफ वन तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि फोर्सेज मिस हो जाते हैं इस क्वेश्चन में और फिर आंसर गलत आ जाता है और इस एक बड़े ब्लॉक का एम भी नीचे की तरफ लगेगा तो बड़े ब्लॉक पर हम बात करें तो इन वर्टिकल डायरेक्शन जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन क्या होगी तो वर्टिकल में नीचे की तरफ क्या लग रहा है या ऊपर की तरफ लग रहा है एन टू ठीक है और नीचे क्या क्या लग रहा है एम जी नीचे लग रहा है टेंशन नीचे लग रही है और फ्रिक्शन एफ वन नीचे लग रहा है तो नेट फोर्स जीरो होगा क्योंकि वर्टिकल में तो कोई एसेलरेशन नहीं है एन तो टू की वैल्यू यहां से आ जाएगी एम जी प्लस टी प्लस एफ वन एफ वन किसके बराबर है म्यू वन एन वन एन वन किसके बराबर है एम में अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात करें तो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है उसको पॉजिटिव मान के इक्वेशन लिखेंगे तो राइट right की तरफ कितना फोर्स लग रहा है टू टी ठीक है और एक लेफ्ट की तरफ भी लग रहा है क्या एन वन और एक ग्राउंड का फ्रिक्शन लग रहा है लेफ्ट की तरफ दैट इज एफ टू एफ टू किसके बराबर है म्यू टू एन टू दिस इज म्यू टू एन टू और एसिलेशन इसका कितना है राइट right की तरफ ए इज इक्वल टू कैपिटल एम इन टू ए आ जाएगा अब हमें एन वन पता है एन टू पता है टी पता है वो सब सब्सटीट्यूट कर दे तो वन जो है चलो इसको मैं वन बोल देता हूं टी को मैं टू बोल देता हूं और एन टू जो आया इस इक्वेशन को मैं थ्री बोल देता हूं तो सब्सटीट्यूट कर दो एन वन टी एंड एन टू इन इक्वेशन फोर फोर्थ इक्वेशन में सब्सिट्यूट कर दें तो मैं डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन कर रहा हूं तो ये आ जाएगा टू टी टी की वैल्यू हम इक्वेशन टू से सब्सटीट्यूट करेंगे तो यह आ जाएगा एम जी माइनस म्यू वन एम ए माइनस टू एम ए माइनस एन वन एन वन किसके बराबर है एम ए माइनस म्यू टू टाइम्स एन टू एन टू किसके बराबर है एन टू है एम जी प्लस टेंशन टेंशन हम इक्वेशन टू से लिख लें तो क्या रहेगा प्लस स्मॉल एम जी माइनस म्यू वन एम में माइनस टू एम में ए टेंशन हो गई प्लस क्या एक और चीज एडिशन है यहां पे म्यू वन एम में तो ये म्यू टू एन टू वाली टर्म हो गई इज इक्वल टू कैपिटल एम एन टू ए तो यहां पे म्यू वन एम ए वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी यहां से हम देखें तो अब हम क्या करें जी वाली टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं और ए वाली एक तरफ तो जी वाली लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं तो या रहेगा टू एम जी माइनस म्यू टू इंटू एम प्लस एम जी तो ये जी वाली टर्म्स हो गई राइट में ए वाली टर्म्स तो कैपिटल एम ए ऑलरेडी था फिर जो सबसे पहली टर्म है यहां से हमारे पास ए वाली टर्म्स जाएंगी तो जाएगा प्लस टू म्यू वन एम एंड प्लस फोर एम सेकंड टर्म जाएगी तो प्लस एम ए फिर यहां से ये जो तो टर्म बचेगी हमारे पास म्यू टू और टू एम ए वाली तो माइनस माइनस प्लस साइन है लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस साइन माइनस हो जाएगा तो माइनस 2 mu 2 ma ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ये आ जाएगी 2 mg minus mu 2 times m plus mg ये तो एज इट इज है चाहे तो g कॉमन ले सकते हैं राइट हैंड साइड में a कॉमन ले लें तो यहां से बचेगा capital m स्मॉल small 4 ma और ये ma मिला कर 5 ma प्लस टू टाइम्स म्यू वन माइनस म्यू टू इंटू एम ए अच्छा एक मैंने कॉमन ले लिया था तो ए मैं यहां नहीं लिखता हूं ए मैं कॉमन लिख देता हूं तो इस तरह से हमारे पास जो एसिलरेशन है वो आ जाएगा टू एम माइनस म्यू टू टाइम्स कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम होल इंटू जी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस अगर मैं यहां भी स्मॉल एम कॉमन ले लू आगे तो स्मॉल एम कॉमन फाइव प्लस टू टाइम्स म्यू वन माइनस म्यू टू इन टू स्मॉल एम मैंने कॉमन ले लिया था तो ये इस तरह से आ जाएगा तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं बाकी देखिए इसमें मेनली क्या होता है एक्चुअली बहुत सारे फोर्सेस इन्वॉल्व हैं तो हम कोई भी एक फोर्स मिस कर दें तो आंसर गलत आ सकता है इक्वेशन लिखते वक्त डायरेक्शन का साइन का कहीं गड़बड़ कर दें तो आंसर गलत आ सकता है तो इन चीजों पे थोड़ा सा हमें फोकस करने की जरूरत है तो मैकेनिक्स में यही थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि सब कुछ आते हुए भी अगर हमने कोई भी एक छोटी सी मिस्टेक कर दी चाहे कोई फोर्स मिस कर दिया चाहे किसी फोर्स की डायरेक्शन गलत लिख दी कहीं पे साइन की गड़बड़ कर दी तो हम सारा क्वेश्चन करते जाएंगे लेकिन एंड में जाके आंसर गलत हो जाएगा तो इन चीजों पर फोकस करें आई होप आपको समझ आया होगा और आगे से आप सारे क्वेश्चन सही करेंगे और अगर गलती भी करते हैं तो उस गलती से सीखेंगे जिससे फ्यूचर में उसको रिपीट ना करें गाइज एक छोटा सा करेक्शन कर दें मैंने लिखने में गड़बड़ कर दी यहाँ स्मॉल एम है और मैंने कैपिटल एम लिख दिया है तो ये वाली जो टर्म है ये स्मॉल एम आएगी इसको मैं एक काम करता हूँ कलर चेंज करके लिख देता हूँ जिससे ध्यान रहे तो ये सब कुछ सही किया था जस्ट लिखने में देखो ये भी एक गलती है जो हो जाती है जैसे मुझसे हुई आपसे भी हो सकती है और अगर ऐसा ऑप्शन हो तो हम उसको मार्क कर सकते हैं तो इसलिए इन सब गलतियों पर हमें ध्यान देना है जिससे कि ऐसी गलतियां हम अवॉइड कर सकें थैंक यू